तो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आर एस यादव जी जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे, जो आज इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर। सर, क्या कारण है यहाँ पर आने का? ऐसा है, हम उत्तर प्रदेश की जन विरोधी, उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अभी इसी महीने की 17 तारीख को, आप अपने बात जारी रखें ना, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने में उत्तर प्रदेश के एक मामले में अपना न्याय दिया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, वाकई जंगल राज है। योगीनाथ का जंगल राज आप लोग इसे घोषित कर रहे हैं, योगीनाथ आदित्य का, आदित्य योगीनाथ का ये जो जंगल राज आप घोषित कर रहे हैं उनके नाम पे जब हो रहा है, तो आप ऐसे कैसे सर सीधा उनके नाम लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी अभी जो डाटा 6 महीने के सितंबर में, 15 सितंबर के आसपास में जो हुए हैं ना, उसमें वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो 420 पिछले विगत 6 में जैसे 420 लोग एनकाउंटर हुए। योगी आदित्यनाथ सेम उसी बात को 430, तो देखिए दोनों में ही फर्क है, शासन और प्रशासन। 10 कहाँ गए, कहाँ मरे, और विगत में 2.5 साल में 3500 लोग एनकाउंटर में मरे, जिसमें अपराधी केवल 73 बताए जा रहे हैं। तो जो और लोग मरे वो अपराध नहीं, जब कानून कहता है कि जब अपराध जुर्म साबित हो जाए तभी तो एक्शन लेंगे, लेकिन आपने इतने लोग एनकाउंटर करा दिए, उनका क्या दोष था? गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, ये मारे जा रहे हैं। सर, एनकाउंटर्स के अलावा आपने सर बलात्कार तक की बातें इसमें छेड़ी गई हैं, सर उसके बारे में आप क्या? बलात्कार, देखिए बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो ये बलात्कारियों को ये सरकार, यहाँ का पुलिस प्रशासन उनका संरक्षण देता है। तो हमारी मांग है कि ये नहीं होना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि आप इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करें, ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। ये तो मतलब क्या कहा जाए कि इतनी गलत सरकार, गलत सोच के सरकार, ये तो जनता के हितों के विरुद्ध काम कर रही है। हर एक कोई पहले चाहता था कि सुशासन आए, अच्छी सरकार है, शासक अच्छा हो, लेकिन ये तो आते आते 2.5 साल में इन्होंने जनता त्राहि त्राहि, गरीब, इनकी आत्माएं, गरीब लोगों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की भी आत्माएँ चीत्कार कर रही हैं, पुकार रही हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कब कौन पुलिस वाला आ जाए और हमको मार डाले, कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में ऑलरेडी चुनाव के रिजल्ट अब आ ही गए हैं, भाजपा का पूरा के पूरा दबाव वहाँ पे नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सर पहले ही भाजपा का काफ़ी अच्छा दबाव है, वहाँ पे आपको लगता है कि सर आपकी इस चीज़ को आवाज़ उठाने से कि सरकार पलटी? देखिए मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के खिलाफ अपनी मोहर लगा दी है। अब आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज लिखा हमारे इस पर, जब सुप्रीम कोर्ट, अब जनता की बारी है, जनता मोहर लगाने की तैयार है, जनता जंगल राज चल रहा है, जनता की मोहर लगी तो ये सत्ता जाएगी और दूसरी सत्ता आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। हम लोग जुट गए हैं और गली गली, गांव गांव ये बात अब इनको करने वाले हैं, संघर्ष करेंगे हम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे आर एस यादव, जो कि प्रमुख महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने हमसे बात करी उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज घोषित कर दिया गया है उसकी, उस चीज़ के बारे में। और ये लोग साफ योगी आदित्यनाथ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। दिल्ली से कैमरामैन राहुल कुमार झा के साथ विशाल मल्होत्रा।